बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिनों जिलाधिकारी के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर शहर में सोमवार से शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहर में सभी दुकानें खुलेंगी। इसके बाद आवश्यक सेवाएं में केवल दवा और पेट्रोल पंप छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार और रविवार मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर सारे दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसी को पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे जिला प्रशासन के निर्देश का पालन कराने के लिए पूर्वी SDM कुंदन कुमार और नगर पुलिस उपाधीक्षक राम नरेश पासवान के साथ नगर थाना की पुलिस टीम और शहर से निकला फ्लैग मार्च। इस दौरान लोगों से जिलाधिकारी के दिए गए निर्देश का पालन करने की टीम ने किया अपील, साथ ही उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर चला पुलिस के डंडे, महामारी एक्ट के तहत काटा गया चलान। वहीं इस दौरान लोगों से अपील करते हुए पूर्वी SDM कुंदन कुमार ने कहा कि अगर आप प्रशासन के लिए दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो दुकानें सील कर दी जाएगी। वह इस दौरान नगर DSP राम नरेश पासवान ने कहा कि अगर लोग बिना काम के सड़कों पर मटर गश्ती करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए घर में ही रहे, सुरक्षित रहें। पुलिस उनसे यही अपील कर रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ज्यादातर लोगों ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दिए गए नियम का पालन करते हुए 80% लोगों ने पहले ही दुकान बंद कर लिया था, लेकिन वहीं 20% लोगों का दुकान पुलिस के फ्लैग मार्च निकालने के बाद हुआ। यह फ्लैग मार्च शहर के मोती झील से निकलकर सरैयागंज टावर होते हुए सिकंदरपुर OP से घूमते हुए लकड़ी ढाई चौक मरवारी स्कूल होते हुए बनारस बैंक चौक होते हुए पक्की सराय चौक तक पहुंचकर वहां से मार्च फिर सरैयागंज टावर की तरफ घूमकर चला गया। उसके बाद टावर पर पहुंचकर यह मार्च समाप्त हो गया। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप रह सकें खबरों से अपडेट।